तू कभी अच्छा नहीं बोल सकता ना मेरे लिए। हमें और अग्नि को पहली बार ऐसे देख समीर के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसने अग्नि को बाहर आते देख सवाल किया, अग्नि क्या चल रहा है? सच सच बताना तुम दोनों के बीच में। क्या मतलब तेरा क्या चल रहा है हमारे बीच में? अरे वो परेशान थी तो मैंने सोने दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, समझा? समीर की बात का अग्नि ने जवाब दिया, ओए अग्नि कुछ दिमाग में ख्याल आए भी तो लाना मत। मैं मिस ब्यूटीफुल को सच में बहुत लाइक करता हूँ और मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। उन दोनों की बात सुन रोहन ने जवाब दिया, रोहन आर यू सीरियस अबाउट हर? रोहन की बात सुन समीर ने हैरानी से पूछा, हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रोहन ने सीरियस होकर कहा। सच में? और ये बता जो तुझे हर महीने प्यार होता है वो सीरियस वाला उसका क्या? देख रोहन वो अच्छी लड़की है और तेरे साथ तो कभी रिलेशनशिप में नहीं आएगी, वैसे भी उसके पास दिमाग है, इसलिए भाई भूल जा और किसी और पे ट्राई कर। तू कभी अच्छा नहीं बोल सकता ना मेरे लिए, मैं लाइक करता हूँ यार सच में। अग्नि समीर को रहने दे भाई, प्लीज तू मेरी हेल्प कर इम्प्रेस करने में प्लीज। समीर की बात सुन के रोहन ने अग्नि की ओर देखकर कहा, मैं क्या हेल्प करूं, जाके खुद बात कर उससे, मैं क्या कर सकता हूँ? रोहन को देख अग्नि ने इरिटेट होकर कहा, प्लीज तू मिस ब्यूटीफुल से दोस्ती कर लेना यार, फिर मैं आराम से उसके बारे में जान पाऊंगा। रोहन ने उसके हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट किया, दिमाग खराब है क्या मेरा जो उस जंगली बिल्ली से दोस्ती करूंगा? रोहन की बात सुन के अग्नि ने हैरानी से कहा, प्लीज अग्नि दोस्त के लिए इतना तो कर सकता है ना तू? भाई तुझे किसी से प्यार होगा तो मैं तेरी हेल्प करूंगा ना, प्लीज यार, प्लीज अग्नि कर देना यार, रोहन ने पपी फेस बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, सोचता हूँ पर पक्का नहीं है, हाँ मैं बात करूंगा, ठीक लगी तो कोशिश करूंगा, रोहन का मेलो ड्रामा देख कर अग्नि ने जवाब दिया। अग्नि को हाँ कहते देख रोहन थैंक यू मेरी जान कहकर उसके गले लग गया। उसे ऐसे करते देख अग्नि बस 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 कहते हुए उसे दूर हट गया। उन दोनों को ऐसे देखकर समीर ने झल्लाते हुए कहा, तुम दोनों सच में पागल हो गए हो समझे? खैर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो होने वाला कुछ है नहीं। हम वॉशरूम गए तो बहुत ज्यादा गंदा था वो, इसे तो देखते ही वॉमिट करने का मन कर रहा था, पर उस वक्त हमारे लिए कपड़े चेंज करना बहुत जरूरी था। बड़ी मुश्किल से नाक बंद करके हमने हाथ मुंह धोया और बहुत मुश्किल से कपड़े चेंज करके बाहर आए। हम बाहर पहुंचे तो सभी हमारी ओर देख रहे थे। सैम हमारे पास आ गई। Someone is looking damn hot, सैम ने हमें देखकर कहा। थैंक यू, वो एक्चुअली हमारे कपड़े खराब हो गए थे तो बहुत स्मेल भी कर रहे थे इसलिए हमने सब चेंज कर लिया। कैंपस में जाके इतना टाइम मिलेगा नहीं ना, सैम की बात का हमने जवाब दिया। हमारी बात सुन के सैम मुस्कुरा दी। सब लोग खाना खाकर वापस गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी कैंपस की ओर मोड़ दी। थोड़ी देर में हम सेंट स्टीफन कॉलेज में थे। वहाँ पहुँचे तो लोगों की भीड़ को देखकर हम सब शॉक थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई मेला लगा हो। हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट सभी जगहों से आए हुए थे। इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे। उनके साथ हमें गाइड करने के लिए आए थे कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर्स। हम सभी कॉलेज के अंदर एंटर हुए। हम लोगों का शानदार वेलकम किया गया और सीधे हॉल में ले जाया गया। वहाँ हॉल में कुछ बच्चों को रिसर्चर्स गाइड कर रहे थे। हम सभी जाकर वहाँ बैठ गए। हम सब वहाँ बैठे तो थे लेकिन उनकी स्पीच में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर लकीली थोड़ी ही देर में स्पीच खत्म हो गई और प्रोग्राम स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट हो गई। अनाउंसमेंट होते ही सब लोग अपने गेम्स की प्रैक्टिस के लिए चले गए। सैम और हम बास्केटबॉल ग्राउंड में थे। हम लोगों को कॉलेज के हिसाब से डिवाइड किया गया था। हमारे साथ अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट और ऑपोजिट टीम में सेम था। हमारा मैच कल होना था इसलिए कोच ने हमारी टीम सिलेक्ट कर उन्होंने हमें प्रैक्टिस करने को कहा। हम सब में हमसे पहले रोहन और समीर का फुटबॉल मैच होने वाला था इसलिए हम अपनी प्रैक्टिस छोड़ के उनका मैच देखने आ गए। रोहन और समीर मैच के लिए रेडी होकर बैठे थे पर काफी नर्वस थे। नर्वस होना लाजमी भी था क्योंकि उनके कंधों पर हमारे कॉलेज की रेप्यूटेशन का भार जो था, पर इस वक्त उन्हें नर्वस ना होने देना भी हमारी जिम्मेदारी थी। उन दोनों को डाउन देख हम और सैम उन्हें हंसाने की कोशिश करने लगे ताकि दोनों थोड़ा लाइट फील करें, और हम अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गए। 10 मिनट के बाद मैच शुरू होने वाला था। हम सब ने उन दोनों को बेस्ट ऑफ लक विश किया और वो दोनों फील्ड में चले गए। उन लोगों को भी कॉलेज में डिवाइड किया गया था। दोनों टीम के लिए 15 कॉलेजेस में से 11 स्टूडेंट डिवाइड किए गए थे।
समीर डिफेंडर के पोजीशन में था और रोहन स्ट्राइकर की। उनका मैच शुरू हो गया। उन दोनों को खेलते देख सैम और हम दोनों ने चिल्लाकर उन दोनों को चेयर अप करना शुरू किया। हमें ऐसे देख सारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे थे, पर हम दोनों खड़े होकर जोर जोर से हल्ला मचाए जा रहे थे। अग्नि हमें बार बार रिक्वेस्ट कर करके थक गया था, पर हम मानने वाले थे नहीं। फर्स्ट के 45 मिनट में दोनों टीम्स अच्छा खेल रही थी, पर रोहन और समीर की टीम ने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया था। ऑपोजिट टीम उनसे आगे थी। रोहन और समीर दोनों हमारे पास आए और काफी निराश और थक चुके थे। रोहन: हम नहीं जीत सके यार, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, जबकि हमारी टीम में हम दोनों जितना भी अच्छा खेल लें, कुछ लोग गलती कर रहे हैं यार, इससे ऑपोजिट टीम को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। समीर: यार मैं तो थक चुका हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा तो, खेलने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। अग्नि: तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें कर रहे हो, खुद ही अपने आप को हारा हुआ मान रहे हो, हाँ? रोहन: यार हमने पूरी कोशिश की है यार, पर दूसरी टीम बहुत स्ट्रांग है। भाई और समीर, तुम दोनों मजाक समझ रहे हो क्या? ये किस तरह का गेम हुआ, तुम दोनों ने पहली हार मान ली? उन दोनों को निराश देखकर सैम ने समझाते हुए कहा। अब तक हम बैठे चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे, पर उन दोनों को इतना डाउन देखकर हमसे रहा नहीं गया। हमने रोहन और समीर को बैठने को कहा और खुद उनके सामने जाकर बैठ गए। पहले से सॉरी तुम दोनों का टाइम वेस्ट करने के लिए, पर हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को क्या लगता है, तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, बाकी लोग नहीं? तो तुम्हारी गलत फहमी है, यहाँ पे सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। यहाँ सिर्फ वो लोग आए हैं जो बेस्ट हैं, सब में से चुने गए बेस्ट लोग हैं। तुम 45 मिनट में खुद की हार मान ले रहे हो, जबकि अभी तो 45 मिनट्स बाकी है गेम बदलने के लिए। अरे उसके लिए तो एक एक मिनट काफी होता है, 45 मिनट्स तो बहुत बड़ी बात है। वैसे सच कहें तो हमने इतनी देर में एक चीज नोटिस कर ली कि दोनों में से तुम्हारी टीम अच्छी है, बेस्ट प्लेयर्स हैं, पर एक प्रॉब्लम है, जानते हो क्या? तुम सब में आपस में यूनिटी नहीं है, आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, सब अपने लिए खेल रहे हो, जबकि ये खेल टीम अप होके खेला जाता है। जबकि ऑपोजिट टीम को देखो, उनमें एक यूनिटी है। एक बात पे ध्यान दो, खुद पे विश्वास रखो, साथ ही अपनी टीम पर भी। जीतने के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हम ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं और एक प्लेयर होने के नाते भी कह रहे हैं। अब हमारी बात खत्म हो चुकी है, आप दोनों जो भी समझें ये आप दोनों पर डिपेंड करता है, आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारी बात खत्म हुई तो सब हमें देख रहे थे जैसे हम कोई भगवान हो और उन्हें उपदेश दे रहे हो। तुम सच में कमाल की हो, सीरियसली, हमारी बात सुन के सामने कहा। हमारी बात सुन उन दोनों ने हमें थैंक्स बोला और वापस फील्ड पे चले गए। इस बार उन दोनों ने अपनी टीम को मोटिवेट किया और यूनिटी बनाकर गेम खेलना शुरू किया। अगले हाफ का मैच शुरू हो चुका था। इस बार रोहन और समीर बहुत अच्छा खेल रहे थे। अगले 45 मिनट्स में सबकी नजरें उन पर ही थी और हट ही नहीं रही थी। रोहन अच्छी तरह गोल कर रहा था, समीर ऑपोजिट टीम को अच्छी तरह से डिफेंड कर रहा था। उन दोनों को अच्छा खेलता देख उनकी टीम भी मोटिवेट हो रही थी और बहुत अच्छा खेल रही थी, और इसका रिजल्ट ये निकला कि उनकी टीम ये मैच जीत गई। उनके जीतने पर सैम और हम जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पहली बार इस तरह चिल्ला रहे थे बिना किसी झिझक के कि क्या सोचेंगे लोग। रोहन और समीर फील्ड से हम लोगों के पास आए। हमने रोहन को कॉन्ग्रेट्स करने के लिए हाथ आगे किया तो उसने हमें गले लगा लिया। थैंक यू मिस ब्यूटीफुल, आपने हम दोनों को बहुत मोटिवेट किया, इसलिए तो हम लोग जीत पाए, वरना तो हम दोनों ने हिम्मत छोड़ दी थी। सच में तुमने जो बोला हमने उसे जाकर सबको बोला और तो सारे जोश में आ गए, देखो हम मैच जीत गए, समीर ने भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा। रोहन: और तो और वो लोग आपसे इतना इम्प्रेस हो गए कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नो नॉट एट ऑल, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, हम मिलेंगे सबसे, हमने रोहन को कहा। थोड़ी देर में रोहन 7-8 बॉयज को लेकर आ गया। उन लड़कों ने हमसे आकर हाथ मिलाया और हमें थैंक यू बोलकर चले गए। ये सब खत्म होते ही शाम हो चुकी थी और हम सब लोग कॉफी वगैरह पीकर अपने अपने रूम्स में चले गए। हम सभी को 4 रूम्स अलॉट किए गए थे, 2 रूम बॉयज के लिए, 2 गर्ल्स के लिए। रोहन, समीर और अग्नि एक रूम में थे और बाकी 3 दूसरे में थे, और हम गर्ल्स रूम्स में डिवाइड थी। सैम और हम साथ ही थे। हम रूम में आए तो हमारा गला बुरी तरह से दर्द हो रहा था। आज की हूटिंग के बाद ऐसा लग रहा था बंद हो चुका है, हमसे तो बोला ही नहीं जा रहा था। अगर हम कुछ बोल भी रहे थे तो सामने वाला सुन के हंस रहा था।
इसलिए हम शाम से चुप थे। डिनर के बाद रोहन, समीर, अग्नि हमारे रूम में आ गए। चारों हमारे कमरे में बैठ के आपस में पिलो फाइट कर रहे थे और हम बैठे बैठे उन सबको देख कर सोच रहे थे कि काश हमारी लाइफ भी इतनी आसान होती, हमें कोई फिक्र नहीं होती, ऐसे ही दोस्तों के साथ मस्ती करते। पर अफसोस, हमारे लिए कभी कोई दोस्त थे ही नहीं, पृथ्वी के अलावा कभी कोई नहीं था, और ना ही कभी हम इस तरह मस्ती कर पाए, वक्त ही नहीं था। हर वक्त सिर्फ बिजनेस में मसरूफ रहते, असल जिंदगी क्या होती है हमने कभी जाना ही नहीं। हमारी दुनिया तो बस स्कूल और हमारा ऑफिस थी, इसके अलावा कभी वक्त मिला ही नहीं। पर इन सबको देखकर अच्छा लग रहा था, उन्हें देखकर चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। हमें मुस्कुराता देख अग्नि हमारी ओर आ गया। क्या हुआ, इस तरह हम सबको देख के मुस्कुरा क्यों रही हो? इतना अच्छा लग रहा था क्या? मैं कह देती तो मैं सामने बैठ जाता तुम्हारे। उसकी बात सुनकर हमने उसे अजीब सा लुक दिया। अब ऐसे अजीब से रिएक्शंस मत दो, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ, तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रही थी? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहे थे कितने लकी हो तुम सब, तुम्हारे पास दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ हैं, सब मिलकर कितनी मस्ती करते हैं, कितना अच्छा लगता है। अग्नि, इसमें क्या है, और वैसे भी दोस्तों के बीच तो सब कॉमन है, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या? नहीं, ऐसे कोई नहीं है, एक बेस्ट फ्रेंड है लेकिन उसके साथ कभी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला। हम 11 साल की उम्र से अकेले रहते हैं, कभी वक्त ही नहीं मिला इस तरह। हमारी दुनिया तो स्कूल से शुरू होती थी और ऑफिस में खत्म हो जाती थी। सुबह हम बिजनेस स्कूल जाते थे और स्कूल के बाद सीधे ऑफिस, ऑफिस से घर, घर में भी नानू जो है हमें बिजनेस मीटिंग और फाइलों की बातें ही बता दिया करते थे। हमारे लिए हमारे पास हमारी कोई पर्सनल लाइफ कभी थी ही नहीं। जानते हो, हमें बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए लीव लेनी पड़ती थी। इवन हमने तो बास्केटबॉल और बॉक्सिंग भी तब सीखी जब हमें स्कूल में लंच आवर्स और ब्रेक मिलता था। तुम ऐसी लाइफ कैसे जी सकती हो यार, अभी तुम कितनी छोटी हो, ये बताओ कैसे घर वाले हैं तुम्हारे? अरे किसी के घर वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? ऐसी बात सुन अग्नि ने हैरानी से कहा, हमारा परिवार औरों की तरह नहीं है। हमारे नानू हमेशा हर चीज को बिजनेस के तरीके से देखते हैं। वो उनका स्टेटस है, बैंक बैलेंस, इन सब चीजों को देखकर बात करते हैं। यहाँ तक कि हमें भी स्कूल में उन्हीं लोगों से बात करने की आजादी होती थी जिनका स्टेटस हमसे मैच करता हो, और ऐसे सिर्फ 4 या 5 लोग ही थे, और उन चारों से हमारी कभी नहीं बनी। वैसे भी वहाँ हर चीज का एक स्केड्यूल होता है, कौन कब कहाँ क्या करेगा, हर चीज का। अग्नि, कैसे इंसान है यार तुम्हारे नानू या कुछ और, अरे मशीन है क्या? सीरियसली, मुझे कोई कहता मैं कभी नहीं करता, पर हम ऐसा तो चाह के भी नहीं कर सकते। जानते हो हम बचपन में कैसे थे, बहुत शैतान, हमारी पैर ना कभी जमीन पे होते ही नहीं थे, हम यहाँ वहां हमेशा घूमते रहते थे। तुमने अगर हमें बचपन में देखा होता ना तो कह ही नहीं सकते थे कि हम वही लड़की हैं जो तब थे। हमारे पास सब कुछ है, हमने सब कुछ अचीव किया है इन 18 सालों में, जिस चीज को अचीव करने में लोगों की उम्र बीत जाती है, सब कुछ है हमारे पास, पर जानते हो हमें कभी खुशी नहीं हुई। तुम यकीन नहीं करोगे, आज हम पहली बार ऐसे गाड़ी में बैठे, हमें किसी के साथ अपना रूम शेयर करना पसंद नहीं है, इस तरह चिल्लाना बातें करना, न्यूयॉर्क में हमें कोई आजादी थी नहीं, ना इतना वक्त था। अग्नि, तो तुम ऐसे लोगों के पास क्यों रहती हो, इंडिपेंडेंट कहीं भी रह सकती हो? ये कहना बहुत आसान है पर बिना अपनों के रहना बहुत तकलीफ देता है। हमारे पास जीने का मकसद नहीं होता, घर लौटने का मकसद नहीं होता। चाहते तो हम भी नानू और उनके परिवार से अलग रह लेते, पर अकेले रहने का वो जो डर होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसके सामने नानू भी कुछ नहीं है। हम नानू के साथ रह सकते हैं, ऐसे रोबोटिक लाइफ जी सकते हैं, पर अकेले नहीं रहना चाहते क्योंकि हमें डर लगता है कि हमें सब छोड़ कर ना चले जाए। हमारी बात सुनकर अग्नि ने हमें गले लगा लिया। उसे गले लगाते ही हमें बहुत अजीब सा फील हुआ, हमारी धड़कनें तेज हो गईं, हम सांस नहीं ले पा रहे थे। अपनी हालत खराब देख हमने झटके से उसे अलग किया। हमें ऐसी सिचुएशन भी देख अग्नि ने बात पलटते हुए कहा, कभी कभी तुम इतनी बहादुर बन जाती हो, और कभी कभी इस तरह से, ऐसा क्यों? तुम जानते क्या हो हमारे बारे में अभी? कुछ भी नहीं। अग्नि, ज्यादा तो नहीं जानता, पर इतना पता है कि तुम बहुत अलग हो। जानती हो, तुम जैसा लोगों को दिखाती हो
वैसी बिल्कुल नहीं हूं। तुम कभी शांत हो ठंडी हवाओं की तरह जो हर किसी को अच्छी लगती है, और शांत बहते पानी की तरह जो सुकून देती है, पर जब तुम्हें कोई छेड़ता है तो तुम बवंडर बन जाती हो। अग्नि के मुंह से ये सब बातें सुन हम बहुत हैरान थे। कोई कैसे जान सकता है हमें इस तरह? कितना सही गैस किया था उसने, हम मन ही मन खुद से कहने लगे। नहीं, ये सब झूठ है, इमोशनल है, ये ऐसे मत करो। हम ऐसे बात नहीं कर सकते इसके साथ, हमें सिर्फ दिखावा करना है। हमें इसे दूर रहना चाहिए जब तक हम अपने मकसद में पूरे नहीं हो जाते। ये सिर्फ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हम जानते हैं धरादी, हम जानते हैं, पर हम इसकी बातों में नहीं आएंगे धरादी। अग्नि राठौर, ऐसा कभी नहीं होगा। अग्नि, क्या सोच रहे हो तुम तब से? मैंने कुछ बोला, तुमने अभी सुना या नहीं? हमने सब सुना, और हम ऐसे नहीं हैं। ना हम पानी हैं, ना हम हवा हैं, हम सिर्फ वर्षा हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्षा। अग्नि, हाँ जानता हूं, वैसे एक बात बताऊं, तुम ना मुझे किसी की याद दिलाती हो। जानती हो, हमारी एक दोस्त थी धरा सूर्यवंशी, तुम उसी की तरह बातें करती हो। वो भी हर बात पे हम कहा करती थी। धरा दी के बारे में सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए, और इसीलिए हम वहां से भाग गए। हम उस वक्त उसे चिल्लाकर जवाब देना चाहते थे कि हम उनके जैसे क्यों हैं, और हम सिर्फ उनके जैसे नहीं हैं, उनका एक हिस्सा हैं हम। हम उनकी छोटी बहन हैं। अग्नि राठौर, सुन रहे हो तुम? लेकिन वक्त आने पर हम तुम्हें जरूर बताएंगे कि हम कौन हैं। अग्नि, अजीब लड़की है, मैंने ऐसा क्या कहा कि भाग गई? चलो छोड़ो, वैसे भी थोड़ी पागल, कब क्या करती है पता नहीं होता इसे खुद को। हम रूम से सीधे बाहर आकर गार्डन में बैठ गए। बाहर एकांत में बैठकर हम जोर जोर से रो पड़े। थोड़ी देर बाद खुद ही शांत हो गए जब हमारे आंसू ने हिचकियों का रूप ले लिया। रोने के बाद चुप हुए तो हमारा सर बहुत तेज दर्द हो रहा था। सिर में दर्द होते देख हम उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे। बीच में ही कुछ लड़कों ने आकर हमारा रास्ता रोक दिया और हम पर कमेंट करने लगे। हम चाहते तो उन्हें उनके फालतू कमेंट्स का जवाब मुंह तोड़कर दे सकते थे, पर उस टाइम हमारा पहले ही बहुत सर दर्द हो रहा था और हम बहुत ज्यादा वीक भी फील कर रहे थे। ऊपर से हम कॉम्पिटिशन में आए हुए थे, हमारे साथ साथ हमारे कॉलेज की रेप्यूटेशन भी खराब होती, इसलिए उस वजह से खुद को रोके चुप हो गए। हमें चुप देखकर उनकी बदतमीजी और बढ़ गई, और हद तो तब हो गई जब उनमें से एक लड़के ने जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश की। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अब तो हमारा गुस्सा बर्दाश्त से बाहर था। उसकी ये हरकत देख हमने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधी और जोर का पंच उसके मुंह पे दे मारा। हमारे मुक्के से वो सीधे नीचे जा गिरा। ये देख उसके सारे दोस्त गुस्से में हमारी ओर बढ़ गए। तभी रोहन, समीर और अग्नि की आवाज आई हमें। रोहन, उसे तुम में से किसी ने भी हाथ लगाया ना तो उसके हाथ तोड़ के हाथ में रख देंगे, समझ गए? अग्नि, वैसे भी तुम सबके लिए ये अकेले काफी है, ट्रेलर देख चुके हो उस लड़के के मुंह पर, और कुछ देखना है तो हम भी हैं। वो सारे लड़के चुपचाप चले गए। उनके जाने के बाद हम रूम में जाने के लिए बढ़े ही थे कि हमारा सिर घूमने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हम जमीन पर गिरने ही वाले थे कि किसी ने हमें थाम लिया। अगली सुबह हमें होश आया तो हम अपने रूम में थे। हमारे आसपास सब सोए हुए थे। रोहन हमारे बेड के पास चेयर पे, समीर सोफे पे, सैम हमारे साथ बेड के कोने में हमारा हाथ पकड़े हुए थी, और अग्नि हमारे सिर पर हाथ रखकर सोया था। हम उठने लगे तो अग्नि की भी नींद खुल गई। तुम ठीक हो? उसने सवाल किया। हाँ हम ठीक हैं, क्या हुआ था हमें रात को, और हम यहां कैसे आए? हम तो गार्डन में थे ना। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें उठा के मैं यहां पे लाया। हमें कुछ याद ही नहीं था, बस इतना पता है कि हम शायद बेहोश हो गए थे। चलो छोड़ो, अभी रिलैक्स हो जाओ, इतनी सी बात और तुम टेंशन ले लेती हो। आराम करो, आज शाम तक हमारे सारे कॉम्पिटिशन खत्म ना हो जाए तब तक हम देहरादून वापस लौट जाएंगे। ओ शिट, आज हमारा मैच है, हमें तो सुबह प्रैक्टिस के लिए जाना था। टाइम क्या हो रहा है? सैम, सैम उठो, ये अभी तक सो रही है। ओ माय गॉड,
अग्नि की बात सुन हमने हड़बड़ाते हुए कहा और हम बेड से उठ गए। अग्नि, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें बहुत वीकनेस है, मैं आज कैसे खेलोगी? देख नहीं रही, ढंग से उठ भी नहीं पा रही हो, खेलने की बात करती हो। हमें कुछ भी हो जाए, मैच तो हम नहीं छोड़ सकते ना, हम उसी के लिए आए यहाँ पर। अग्नि, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, फिर क्यों कर रही हो? हमने अग्नि की बात को अनसुना कर दिया। हम दोनों की बहसबाजी सुनकर सैम भी उठ गई। क्या हुआ, तुम दोनों सुबह सुबह क्या महाभारत क्यों कर रहे हो यार? सोने दो मुझे प्लीज, एक घंटे पहले ही तो सोए हैं, सैम ने नींद में चिल्लाते हुए कहा। सॉरी सैम, हमारी वजह से तुम सब उठे हुए थे, प्लीज अब वापस उठो। तुम सब सो जाओ, हम फील्ड में जा रहे, थोड़ी देर में मैच की प्रैक्टिस करनी है। पर तुम अभी खेलने की हालत में नहीं हो वर्षा, उसने आधी नींद में जवाब दिया। यही इस बेवकूफ लड़की को मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, सैम की बात सुनकर अग्नि ने कहा। पर हम नहीं खेलेंगे तब जरूर बीमार हो जाएंगे, अभी हम ठीक हैं और बास्केटबॉल खेलना हमारी खुशी है, जब हम खेलेंगे तो खुद ही ठीक हो जाएंगे, उन दोनों को मना करते देख हमने समझाते हुए कहा। ठीक है चलो, मैं भी आ रही हूँ, हमारी बात सुन के सैम ने कहा। 10 मिनट बाद हमारा मैच था, हम सब कोर्ट में खड़े थे। हमारी टीम 5-5 में डिवाइडेड थी, सैम और हमारे साथ 3 और लड़कियां थी। यार वर्षा, इन लड़कियों को देखो, आई कहां से ये? सब इतनी बड़ी बड़ी हैं हमारी ऑपोजिट टीम में। सामने की टीम में बड़ी बड़ी लड़कियों को देखकर सैम ने डरते हुए कहा। सैम, इस तरह बिना खेले अपना कॉन्फिडेंस मत खोना, अभी गेम खेलना बचा है और जब तक हम यहाँ पर हैं ये कभी नहीं जीत सकती। ठीक है फिर चलो इन सबको धूल में मिलाते हैं, हमारी बात सुनकर सैम ने जोश में कहा। हमारी टीम कोर्ट में थी, समीर, रोहन और अग्नि बाहर से हमें चेयर अप कर रहे थे। मैच शुरू हो चुका था, अगले पल बॉल हमारे पास थी और हम इतनी स्पीड में ड्रिबल कर रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हमसे बॉल ले पाए। हम आसानी से उन लोगों के बीच से ले जाकर बॉल को बास्केट में डाल रहे थे। ऑपोजिट टीम की लीडर खतरनाक थी, वो लोग कुछ प्लान कर रहे थे शायद हमारी टीम को रोकने के बारे में, पता नहीं। मैच फिर से स्टार्ट हो चुका था पर वो लोग सिर्फ हमें रोक रहे थे, हमें बॉल पास नहीं होने दे रहे थे, इस वजह से उनकी टीम अच्छा खेल रही थी। इस बार बॉल हमारे हाथ में थी, हम लगातार ड्रिबलिंग करते करते बॉल अपने बास्केट तक ले गए। हम बॉल ऊपर डालने के लिए उछले, ऑपोजिट टीम की एक लड़की बीच में आ गई जिससे हम धड़ाम करके नीचे गिर पड़े और हमारा गोल मिस हो गया। नीचे गिरने की वजह से हमारे पैर में मोच आ गई और चोट भी लग चुकी थी जिससे हम हिल भी नहीं पा रहे थे। हमारी हालत देख हमें कोर्ट से बाहर ले जाया गया। उसका नतीजा ये निकला कि अब हमारे बदले हमारी टीम में एक्स्ट्रा लड़की को खेलने के लिए भेज दिया गया और फिर से हमारी टीम हारने लगी जबकि ऑपोजिट टीम गोल कर रही थी और हम चुपचाप ये सब होते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर तक तो हमने बर्दाश्त किया पर फिर खुद से ही कहते हुए उठ गए, हम अपनी टीम को हारता हुआ नहीं देख सकते, हमें जाना होगा। हमने उठकर दर्द को कंट्रोल किया और अपने पैर पर स्प्रे करके उसे हैंकी से बांध के कोर्ट में पहुंचे। हमें कोर्ट में देख पहले तो कोच ने इजाजत नहीं दी पर हमारे जिद करने पर थक हार कर दे ही दी। हम कोर्ट में पहुंचे तो हमारी टीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और साथ ही नई उम्मीद भी। अब एक बार फिर से मैच स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते ही बॉल फिर से हमारे हाथों में थी और हारते मैच का रुख हमारी जीत की ओर हो गया। हमारी टीम उन लोगों को बुरी तरह हरा कर वो मैच जीत चुकी थी। हमारे जीतते ही सैम और कुछ लड़कियों ने हमें ऊपर उठा लिया, हमारी पूरी टीम हमें चेयर अप कर रही थी। अचानक इन सबके बीच हमारे पैर में बहुत तेज दर्द होने लगा और दर्द के मारे हम जोर से चीख पड़े। हमें उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया। सैम, रोहन, अग्नि, समीर सभी हमारे साथ हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़े। हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे पैर में मोच आई हुई है जिसे और जोर देने से पैर में सूजन हो गई है। उन्होंने पट्टियां करके हमें थोड़ी देर आराम करने को कहा। कुछ देर बाद अग्नि का मैच था और फिर भी वो हम सभी के साथ था। उसे परेशान देखकर रोहन ने उसे जाने को कहा। अग्नि तेरा मैच है, तू जा, यहाँ से तेरा जाना जरूरी है और मिस ब्यूटीफुल की चिंता मत कर, हम सब यही हैं। सैम, तुम सब जाओ ना, उसे कोई चेयर अप करने के लिए भी तो होना चाहिए। सैम के और हमारे बहुत कहने पर रोहन, समीर और अग्नि तीनों चले गए। अब वहाँ सिर्फ हम और सैम बचे थे। उधर कॉलेज में सम्राट और अग्नि की टीम का मैच था जिसमें पहले सम्राट की टर्न थी।
सम्राट रुद्र सर के साथ रिंग में खड़ा था और रुद्र सर उसे कुछ ट्रिक्स समझा रहे थे। सम्राट हर बार की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में अनसुना करके रिंग में खड़ा हो गया। पहले तो वो भी क्राउड और उनके शोर को देखकर बहुत खुश हो रहा था, पर जल्दी ही खुशी गम में बदल गई। जैसे ही दूसरी टीम के बॉक्सर ने रिंग में कदम रखा तो सम्राट के साथ साथ सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो लड़का इंसान कम दानव ज्यादा लग रहा था। उसे देखकर तो सम्राट की हालत बुरी तरह खराब हो गई थी। सम्राट की हालत देख रुद्र सर सम्राट को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर सब बेकार था, क्योंकि वो पहले से ही इतना घबराया हुआ था, जिससे वो गेम स्टार्ट होने के थोड़ी देर में ही नॉकआउट होके बाहर आ चुका था। रुद्र सर सम्राट की परफॉर्मेंस देख के बहुत निराश थे। अब उन्हें अग्नि से उम्मीद थी। अग्नि के मैच शुरू होने में आधा घंटा था। अग्नि के मैच से पहले हम जाएं या ना जाएं इस असमंजस में थे, पर फिर हमारी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। हम पता नहीं क्या सोचकर सैम के साथ वहां ग्राउंड पर आ गए और मैच स्टार्ट होने का इंतजार करने लगे।